दोस्तों ये कल के वीडियो का आगे का हिस्सा है। हम अभी निकले उस मंदिर से, वो छेदी जो था, और यहाँ आ गए। इसको बोलते हैं थ्री किंग्स मॉन्यूमेंट, या थाई में बोलते हैं साम का सेट। एक्चुअली ये तीन राजा हैं जिन्होंने चियांग माई की स्थापना की थी, जिन्होंने चियांग माई शहर को बसाया था। और ये इनके सामने, मतलब ये बड़ा सा मॉन्यूमेंट है, ये देखिए। ये हैं वो तीन राजा। मंदिर से 150 मीटर दूरी पे है बस, और हमारे हॉस्टल से वो दोनों मंदिर जो हम जाके आए और ये लगभग 2-3 किलोमीटर के अंदर में है बस। दोस्तों वहाँ जो थ्री किंग्स मॉन्यूमेंट था, वहाँ से हम थोड़ा निकले शहर से बाहर। गूगल ने हमको बताया एक जगह है वियंग कुम काम, ये यहाँ का हिस्टोरिकल प्लेस है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। यहाँ पे ये टूर के लिए गाड़ियाँ लगी हुई हैं, घोड़े गाड़ी खड़े हैं यहाँ पे, ये देखिए। घोड़ा गाड़ी भी है यहाँ पे, जिसको घोड़ा गाड़ी से सवारी करनी हो वो जा के टूर कर सकता है। मतलब गाड़ियाँ खड़ी हैं, घोड़ा गाड़ी खड़ा, इसका मतलब शायद पैदल थोड़ा ज़्यादा चलना पड़े। इन्फॉर्मेशन सेंटर वो सामने है वियंग कुम काम का, क्योंकि यहाँ तो कुछ है नहीं। इन्फॉर्मेशन सेंटर पे चलते एक बार। ये देखिए लिखा है सामने वियंग कुम काम इंफॉर्मेशन सेंटर। एक्सक्यूज मी, वेयर आई कैन विजिट दैट द हिस्टोरिकल प्लेस इज दिस वन? सो विच वे आई कैन एंटर? This. I have served with tram or the horse. I cannot walk, right? This so big. Information here. Okay. You walking 3 kilometers and this one JD Liam Temple. Oh. The area 7 kilometers. Is it possible if I can just walk a bit? Yeah. Which way so to go? Which way I can enter? You can walk. Yeah, I love to walk. You take a picture map. Okay. You have a bike? Yeah, I have bike. Can I go by bike? Uh-huh. Okay, then I have bike actually. So this is information center. Yeah, this is main road. You go outside. Okay. Right. Okay. Thank you. Thank you so much. तो यहाँ पे जो गाड़ियाँ लगी हुई हैं भाई साहब, ये यहीं से अटैच्ड हैं, मतलब ये बाहर की नहीं है। घोड़ा गाड़ी और जो गाड़ी है तो उसका 400 बाht टिकट शायद कैमरे में कैप्चर हुआ रहेगा। 300 और 400 था शायद, घोड़े का 400 था, नॉर्मल गाड़ी का 300 था, क्योंकि काफ़ी बड़े रेडियस में फैला हुआ है। फिर इन्होंने पूछा बाइक है आपके पास? मैंने बोला हाँ, तो बोले बाइक से चले जाओ। हम उस इंफॉर्मेशन सेंटर के बाद मुश्किल से 2 मिनट बाइक चलाया मैंने और पहुंच गया यहाँ पे वाट छेदी लम, ऐसा कुछ है। और जो इन्फॉर्मेशन सेंटर पे उन्होंने मुझे फ़ोटो खींचने के लिए कहा था, इसके हिसाब से ये सारे छोटे छोटे, मतलब ऐसे ही इसको क्या बोलेंगे, मंदिर इसके अंदर ही है। अंदर चलते हैं, मेरे ख्याल से बाइक लेके जा सकते हैं। यहाँ पे कोई है ही नहीं रोकने के लिए, तो बढ़ते हैं आगे, बाइक लेते हैं और चलते हैं। अब मैं आपको बता सकता हूँ ये है क्या एक्चुअली, मैं श्योर हूँ। एक्चुअली ये गांव है यहाँ का, जिसको पुरातत्व विभाग ने बाद में खुदाई करने में यहाँ पे पुराने मंदिरों के अवशेष मिले, तो ये पूरा गांव ही मतलब ऐसी चीज़ों से भरा पड़ा है। आप जैसे देख सकते हैं पूरा गांव है एक। तो ये पुरातत्व विभाग के तरफ से 2005 में ढूंढा गया है कि ये गांव ऐतिहासिक है। आप लोग थाईलैंड के गांव भी देख लीजिए, बिल्कुल हमारे और आपके गांव जैसा ही है, घर थोड़े अलग बने हुए हैं, बस यही है। ये देखिए जो मैं आपको बता रहा था, ये मैंने कहीं लिखा हुआ तो नहीं देखा, बट मुझे ये सब देख के लग गया कि हाँ ये पूरा गांव ही, इस पूरे गांव से कोई इतिहास जुड़ा हुआ है। शायद 12वीं शताब्दी का, जो बाहर मैंने आपको बोर्ड दिखाया था, तो 12वीं शताब्दी से इसका कोई इतिहास है। यहाँ पे कोई गांव, शहर, कोई किंगडम होगा पहले, जिसको इन्होंने 2005 में ढूंढा। जैसा मेरा और आपका गांव होता है ना, सेम वैसा ही पीसफुल गांव है। कुछ जगह औरतें इकट्ठा होकर बातें कर रही हैं, मंदिर में कोई एंट्री फीस नहीं, कुछ नहीं। अगर यही चीज़ बैंकॉक में होती तो यहाँ जाने का 400-500 बाट लगता। तो दोस्तों यही है, ये पूरा गांव ही है। हम और घूमेंगे तो और भी ऐसी चीज़ें मिलेंगी। तो मैं और नहीं घूमने वाला, क्योंकि मौसम भी ख़राब हो रहा है, बारिश आने की संभावना बहुत है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये वाली जगह सिटी से 9 किलोमीटर दूर था, तो मुझे वापस जाना भी है सिटी में। एक मिनट इधर देखते हैं क्या है। कुछ नहीं है, खेत है, घर बने हैं, खेत है। तो बस यही है वियंग कुम काम में, मतलब ये मेरे ख्याल से ये गांव का ही नाम है वियंग कुम काम। और ये पूरा जगह ऐतिहासिक है। How are you? We're here in वियंग कुम काम। Wiang Kum Kam. It's nice here, it's peaceful. Come here, okay? आज भी ये मेरे साथ आ गए। सुबह मैं अकेला निकला था और दोपहर को ये मुझे मार्केट में मिल गई। और अभी अभी मुझे छोटा सा एक म्यूजियम भी दिखा। फोल्क आर्ट म्यूजियम। कोई टिकट नहीं है, कुछ भी नहीं। क्या है इसमें? खुदाई में मिली हुई कुछ चीजें होंगी और क्या। हाँ वही है, मटके हैं कुछ पुराने पुराने। ये देखिए मिट्टी कुछ तो है, पता नहीं क्या है। ये भी एक पुराना सुराही जैसा है। यहाँ लोगों ने अपने सिग्नेचर छोड़ रखे हैं, जो भी यहाँ विज़िट करने आया है और जिसने डोनेशन दिया है। वो देखिए वो सारे डोनर्स की लिस्ट लिखे हुए हैं। ओके, ये देखिए जिसने डोनेशन दिया है वो सब, ये कपड़े का पूरा एक लठ नीचे लगा पड़ा है। और मतलब साइन करते जाएंगे, डोनेशन देते जाएंगे, भरता जाएगा, ऊपर कपड़ा लपेटते जाएंगे और ये कपड़ा मंदिर के गुंबद पे लगेगा। मान्यता है, जैसे इंडिया में भी तो है ये सब, कि हाँ आपका नाम मंदिर पे क्या है, गुंबद पे लगेगा वो जो कपड़ा है। कुछ भी कहो, काफ़ी साफ सुथरा और शांत है, यहाँ तो कोई है ही नहीं। तो बस आपको मैं बोल रहा था बारिश होने वाली है और बारिश होने भी लगी हल्की हल्की। चलिए निकलते हैं यहाँ से। और आखिरी में एक मैसेज है आप सबके लिए, वो मैसेज ये देंगी। Namaste, my name is Nat, a friend of Wander Indian here at the hostel in Chiang Mai. Inviting you to subscribe to his channel, comment down below, suggest any topic or tips or any vlog that you'd be interested of, share his videos and channel with your friends and families, and press the like button. I will be really so glad for your support and to be counted in as his avid subscriber. धन्यवाद। दोस्तों हिंदी में आपको छोटे में समझा देता हूँ। ये बोल रहे हैं कि भाई बहुत मेहनत करते हैं ये वीडियो बनाने के लिए। अभी तो स्टार्ट किया है मैंने। अगर मेरे वीडियो में कोई कमी हो, कोई आपका सजेशन हो, प्लीज़ बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्राइब बहुत मायने रखता है। ऐसा लगता है कि हाँ कोई तो है साथ में खड़ा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें सबके साथ, और वीडियो में कमियां क्या हैं वो ज़रूर लिखें। मैं उस कमियों को दूर करने की कोशिश करूंगा और ऐसे ही नई नई जगह आपको दिखाता रहूंगा। धन्यवाद।